Pablo. बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज इतवार के रोज़ हम कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बड़ा मशहूर हमारा हिल पार्क होता था, जो इसकी माजी की बड़ी खूबसूरत यादें हैं हमारी, बट बदकिस्मती के साथ पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी, क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि जिस तरह और कराची के बड़े बड़े पब्लिक स्पेसेस को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया, शहरियों के लिए बंद कर दिया गया, उसी तरीके से हिल पार्क भी निगलेक्ट का शिकार हुआ और जो इसकी माजी की बड़ी खूबसूरत ग्लोरी थी वो कहीं छुप गई। जब से बल्दिया उज़्मा कराची की ज़िम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई, चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर का टाइम बड़ा छोटा होता है, वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, तो मैंने कोशिश की कि उन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सके जिसका इमीडिएट रिज़ल्ट शहरियों के सामने आ सके, और जो शहरियों के नज़दीक एक तासुर बन गया है कि बल्दियाती इदारे काम नहीं कर रहे या काम नहीं कर सकते, उस तासुर की नफ़ी करने में मैं अपना किरदार अदा कर सकूं। नतीजे में कराची की जितनी भी पब्लिक स्पेसेस थी उसको हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और मेरे सामने जो मॉडल था उसका, वो सदर कराची में जो सिंध हुकूमत ने पीपल स्क्वायर को एस्टैब्लिश किया था कि एक ना सिर्फ पार्किंग फैसिलिटी हो कंजेस्टेड ट्रैफिक जोन के अंदर, बल्कि एक ओपन पियाजा हो जहाँ पर शहरी आके खुली फिज़ा में लुत्फानंदोज़ हो सकें, जिस तरह हम दुनिया भर में जाकर होते हैं। तो हमने कोशिश की कि हम ये चीज़ KMC की तहत चलने वाले पार्कों में कर सकें, और नतीजा ये हुआ कि चाहे हमारा फ्रेयर गार्डन हो, फ्रेयर हॉल हो, हमारा बर्न्स गार्डन हो, हमारा तालीमी बाग हो, हमारा सफारी पार्क हो, हमारा बाग़ रुस्तम हो, या कराची का कदीमी चिड़ियाघर हो, हमने उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल किया। कहीं हमें प्राइवेट सेक्टर की मदद मिली और हमने उनको ठीक करने का एक प्रोसेस स्टार्ट किया, और मेरे ख़्याल में पिछले 3 महीनों में ये कोई 7वीं 8वीं बड़ी फूलों की नुमाइश है जो कि KMC ने शहरियों के लिए इस्टेब्लिश की है, ताकि छुट्टियों के दिनों में, तातील के दौरान हमारे बच्चे वगैरह आ सकें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं इन पार्क्स में जाता हूँ, मुझे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ नज़र आते हैं अपने बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, कोई सेल्फ़ी खिंचा रहा होता है फव्वारे के सामने, कोई फूलों के सामने तस्वीर खींच रहा होता है, वो जो मुस्कुराहट उन बच्चों के चेहरे पर होती है उससे मुझे दिली खुशी मिलती है, और मेरी सोच को तकवीत मिलती है कि जो कराची की ये पब्लिक स्पेसेस हैं, उन पब्लिक स्पेसेस को हम किस तरीके से एक बार फिर उस्तवार कर सकते हैं। जितना वक्त भी मैं बल्दिया उज़्मा पर बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर मैंने काम किया, मैंने इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया, और बिलखसूस मैं KMC के पार्क्स डिपार्टमेंट को और हमारी चंद DMC के पार्क्स डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इन लोगों ने कोई इजाफी वसाइल नहीं मांगे, कोई शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा सर आपका विजन समझ आ गया हमको, हम काम करके आपको दिखाएंगे, और मुझे खुशी होती है वो काम हुआ। और जहाँ बल्दिया उज़्मा के पार्क्स डिपार्टमेंट की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, उसी तरीके से मैं बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तारीफ़ करना चाहूँगा, जहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इंतज़ामिया के साथ 100 पार्क्स का टारगेट रखा कि हम एक साल में 100 पार्क्स को ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 3 महीने पहले हमने उन पार्क्स के ऊपर काम करना शुरू किया, और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि 22-23 पार्क्स हमने, नेबरहुड पार्क्स हैं जो घरों के बीच में बसते हैं, मोहल्लों के बीच में बसते हैं, उन पार्क्स को हमने ठीक किया, रिहैबिलिटेट किया, और बागबान कमेटी एरिए के जो लोग हैं जो वहाँ बसते हैं रहते हैं उनको इन्वॉल्व किया, और एक बागबान कमेटी इस्टेब्लिश की ताकि वहाँ के लोग उसको ओन कर सकें। मैं सर सैद पार्क की आपको मिसाल देना चाहूँगा, बंद था वो, तबाह था, हमने क्या किया, पार्क के दरवाज़े खोले। शादमान टाउन का भी पार्क की मैं मिसाल देना चाहूँगा,
और मैं एक बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहूँगा दीनी एतबार से, पौधे लगाना सदका जारिया तो है। इन तमाम पार्क के पास अतराफ में मस्जिद थी, जो मस्जिद का वुजू का पानी है, हमने उस वुजू के पानी को इस्तेमाल किया ताकि हम अपने पार्कों को आबाद कर सकें, उसकी ग्रीनरी को मेंटेन कर सकें। जहाँ मस्जिद का वुजू का पानी अवेलेबल नहीं था, वहाँ हमने सब सॉइल वाटर को यूज़ किया, या हमने सेवरेज के पानी को ट्रीट करके, जैसे बाग़ रुस्तम है, बाग इब्न कासिम है, वहाँ सेवरेज के पानी को ट्रीट करके हम इस्तेमाल में उसको ला रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि वो पार्क्स मेंटेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं फ्रेयर हॉल की आपको मिसाल देना चाहूँगा, हर वीकेंड पे 15,000 से 20,000 अफराद फ्रेयर हॉल का रुख करते हैं, और ये केएमसी की कामयाबी है कि उसके दरवाज़ों को एक बार फिर खोला गया, वहाँ पर इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि शहरी अपने माजी के असासों को ओन कर सकें, उसको लुक आफ्टर कर सकें। इसके साथ साथ जहाँ पार्क्स पर तवज्जो दी, उसी तरीके से सड़कों की तामीर और मुरम्मत के ऊपर काम किया गया। कोई बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की मैं बात नहीं करूँगा, वक्त मुख्तसर था, लेकिन हाँ, जो लोग कराची वालों के लिए सबसे बड़ी तफरी का जो फैसिलिटी है वो हमारा समंदर है, और जब लोग समंदर का रुख करते थे तो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो रास्ता था, वो बहुत ही मखदूज था, बहुत बुरा हाल था। लोग कभी कभार वीकेंड्स पे मौरीपुर रोड पर घंटों ट्रैफिक में फंसते थे, क्यों? क्योंकि रोड खस्ता हाली का शिकार थी। हमने वो मुकदमा अपनी हुकूमत के सामने रखा, और मुझे खुशी होती है आप तमाम शहरियों को बताते हुए कि कराची शहर में साहिली पट्टी पक्का रुख करने वाले शहरियों के लिए मौरीपुर रोड को बनाया गया, सैंडस्पिट रोड को बनाया गया, इस वक्त जो मछली चौक से कैनप की रोड जा रही है उसको केएमसी बना रही है 800 मिलियन रुपए में, और इंशाल्लाह जो एक टुकड़ा बचेगा जो कि वाई जंक्शन से मछली चौक तक जाता है, उसके लिए भी वज़ीर आला सिंध ने आज से 10 दिन पहले विज़िट किया था, और उन्होंने ये कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह वो जो एक टुकड़ा रह जाता है तकरीबन 5 किलोमीटर का, उसको भी हम कोशिश करेंगे इसी माली साल में कंप्लीट कर दें। मैंने सड़कों की तज़ीन व आराइश के लिए, मुरम्मत के लिए ये ऐलान किया था कि हम तकरीबन 1.5 अरब रुपए कराची के 7 अजला में ख़र्च करने जा रहे हैं, और हमने कराची के 7 अजला को 3 जोन्स में डिवाइड किया, और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि उसके ऊपर भी हमें दिक्कत बड़ी आई, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अगेन केएमसी के अमले को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने काम किया, और अब उस पैसे के ऊपर अखराजात शुरू हो गए, सड़कें बनना शुरू हो गई हैं। मैं अभी आया तो जमील यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने बताया कि इनके एरिए की जो सड़क है जो माजी में कई साल से ख़राब थी, खस्ता हाली का शिकार थी, बड़े लोगों को शिकायत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची ने उस सड़क की तज़ीन व आराइश की, मुरम्मत की। एक सियासी जमात का उस सड़क पर ऑफिस भी है, मेरी सियासी जमात का नहीं है, किसी और सियासी जमात का है, लेकिन चूंकि हम बिला तफरी खिदमत पर बिलीव करते हैं, हमने किया। इसी के पीछे जौहर रोड है शब्बीराबाद के एरिया में, उसके ऊपर काम हमने स्टार्ट कर दिया, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, वेस्ट हो, स्कीम 33 हो, मलीर साउथ, इन तमाम एरियाज़ में ये सड़कों की जो छोटी छोटी मुरम्मत है इसको बल्दिया उज़्मा कर रही है, कोशिश की है कि शहरियों की मदद के साथ, शहरियों की सपोर्ट कर। और हाँ, मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ जहाँ कराची का शहरी हमारा हाथ थामने की कोशिश करता है, हम भी उसका हाथ थामते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इतने बड़े शहर को चलाने के लिए जहाँ तमाम हुकूमतों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से शहरियों को चीज़ों को ओन करने की ज़रूरत है। और मैं कुछ कंपनीज़ को बड़ा खुल के खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, 4 बड़े काम हमने उन कंपनियों के या उन इदारों के इश्तराक से किए। मैं एंग्रो कंपनी की को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनके इश्तराक से हमने PIDC ब्रिज को ठीक किया, और आज आप देख सकते हैं एक बड़ा खूबसूरत इजाफा है कराची शहर के अंदर। मैं हबीब बैंक का शुक्रगुजार हूँ जिनके तआवुन से, जिनके इश्तराक से हम एम्प्रेस मार्केट को ठीक करने जा रहे हैं, उसकी भी सारी फिजिबिलिटी वगैरह बन चुकी है, इंशाल्लाह अगले चंद दिन में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है गेट्स फार्मा, उसका शुक्रगुजार हूँ, उनके इश्तराक से हमने नाथा खान फ्लाईओवर की तज़ीन व आराइश की है, आप जाके उसको देख सकते हैं कि आज उसका एक मुख्तलिफ रुख, मुख्तलिफ पहलू
نظر آتا ہے. اسی طریقے سے جہاں ایف جی آر ایف کے ہمارے دوستوں کا میں شکریہ ادا کروں گا, اسی طریقے سے جو ہماری بوری جماعت ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کی مدد کے ساتھ ہم مختلف ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کریں, اور ایک ہماری جو بڑی پرانی صدر کی روڈ تھی وہاں پہ ایک اچھا اربن اسپیس ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, کرم علی ٹالپور روڈ جو ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, یو ایس کاؤنسلیٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کے اشتراک سے ہم فریئر ہال کو, فریئر گارڈن کو تو کے ایم سی نے ٹھیک کر دیا, اس کے فوارے کو ٹھیک کر دیا, لیکن اب کے ایم سی, وہی کے ایم سی جو ماضی میں کہتی تھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہی کے ایم سی یو ایس کاؤنسلیٹ کی مدد کے ساتھ فریئر ہال جو کہ 165 سال پرانا ہمارے شہر کا ایک اثاثہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے جا رہی ہے. اس کی تزئین و آرائش اور اس کی جو اسٹرکچرل انٹیگریٹی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کا کام ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے دیانت داری کے ساتھ, متانت کے ساتھ پچھلے 4-5 ماہ میں کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں جہاں یہ کریڈٹ لیتا ہوں کہ ہاں ہم نے کام کیا, میں ان تمام میونسپل ورکرز کا, چاہے وہ کے ایم سی کے ہوں, چاہے وہ ڈی ایم سی کے ہوں, چاہے وہ کے ڈی اے واٹر بورڈ کے سالڈ ویسٹ کے ہوں, میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان تمام لوگوں نے بہت ہی اچھے احسن انداز سے اس شہر کی خدمت کی. اور میں امید کروں گا کہ یہ تبدیلی کا سفر ہے, یہ جو بہتری کا سفر ہے, یہ اسی طریقے سے اس شہر میں جاری و ساری رہے گا. پاکستان زندہ باد. صدیقی صاحب, منگو پی روڈ کب تک بن جائے؟ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانے کا اس کو اعلان کیا تھا, کے آئی ڈی سی تھی اس زمانے میں, میاں نواز شریف یا شاید خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس روڈ کو بنانے کا پروسیس اسٹارٹ ہوا اس کے اندر. اب فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر جو زیر زمین انفراسٹرکچر ہے اس کو اب پروونشل گورنمنٹ ٹھیک کرے گی. واٹر بورڈ ہمارا کہتا ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے وفاقی حکومت کی یہ تھی کہ پورا پروجیکٹ یہ لوگ کریں گے. یہ ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے جس کو ہم ریزولو کرنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے پچھلے دنوں جہانگیر روڈ کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلایا, مجھے پتہ ہے شہریوں کو تکلیف کا سامنا ہے. وہ سڑک پی ڈبلیو ڈی نے بنائی, ہمارے اعتراضات ہیں, کوئی این او سی واٹر بورڈ سے, ڈی ایم سی سے, کے ایم سی سے نہیں لی گئی, جس کا نقصان ہوا. تو میں نے پاک پی ڈبلیو ڈی کو بھی بلایا, میں نے واٹر بورڈ کو بھی بلایا, میں نے کے ایم سی کے نالے کے ڈپارٹمنٹ کو, ڈرین والوں کو بلایا, ڈی ایم سی کو بلایا, واٹر بورڈ کو بلایا, سب کو ساتھ بٹھایا, اور میں نے کہا جی شہریوں کو تکلیف ہے, شہری برا بھلا مجھے کہتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے روڈ بنائی, کوئی نہیں کہتا کہ سیوریج کا نظام کس نے چوک کر دیا, کوئی نہیں کہتا کہ فیڈرل ایریا ہے یہ. لوگ سب کہتے ہیں یار مرتضیٰ واب آپ کیوں نہیں کام کر پا رہے, تو خدا را اس شہر کو آپ لوگ اپنائیں, مل کر کام کریں. تو ہم نے پھر ایک ٹائم لائن سیٹ کی کہ اگلے انشاءاللہ 10 روز کے اندر اس کے نالے کو اور اس کی سیوریج کو ونچنگ کر دی جائے گی, کلیئر کر دیا جائے گا, اس کے جو سلیب وغیرہ ٹوٹیں گے اس کو کے ایم سی بنائے گی, اور پاک پی ڈبلیو ڈی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جب ہم 10 دن میں کام مکمل کر دیں گے, اگلے 7 روز کے اندر انشاءاللہ وہ سڑک کی مرمت جو تقریباً کچھ 600 میٹر کا پیچ ہے اس کی مرمت کر دی جائے گی. تو میرے خیال میں 20 سے 21 روز کے اندر کوشش کروں گا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, تاکہ جن لوگوں کو سینٹرل سے ایسٹ آتے ہوئے, سینٹرل سے ساؤتھ آتے ہوئے جو لوگ بھی گزرتے ہیں سڑک سے, ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک شکوا بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیں لیاری ایکسپریس وے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے اس شہر کا, لیکن نہ وہ کے ایم سی کنٹرول کرتی ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے, وہ وفاق کنٹرول کرتی ہے. میں نے پچھلے 6 مہینے جدوجہد کی کہ اس سڑک کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے, تاکہ جو بڑے بڑے ٹرالر, بڑے بڑے کنٹینر کے ساتھ ٹرک ہمارے گلی محلوں کی سڑکوں پر چلتے ہیں, جن کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جس کا نقصان مجھے بھی ہوتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ کسی شہری کو بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹریفک ہم ڈائیورٹ کر سکے, جس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کے شہر کی سڑکوں کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ نہیں ہوگی, یہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے, اور شہر میں جو کنجیشن ہے ٹریفک کی اس کے معاملے کو ریزولو کر دیا جائے گا. مجھے گورنر صاحب نے بڑی مدد کی اس کام میں, انہوں نے سپورٹ کیا, لیکن وفاقی حکومت نے سپورٹ نہیں کی. میں گلا کرنا چاہوں گا, میں کہوں گا کراچی پاکستان کو چلاتا ہے, پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل کیپٹل ہے, وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر ایک بڑی خوبصورت سی سڑک بنی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے ہیوی ٹریفک کے لیے؟ میں نے اس کے انجینئر سے بات کی, ان کو بلایا, انہوں نے آن ریکڈ کہا کہ اس کے سٹرکچر میں کوئی خامی نہیں ہے, ہیوی ٹریفک چل سکتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وفاقی حکومت ہیوی ٹریفک یا این ایچ اے اس ہیوی ٹریفک کو چلانے میں دلچسپی نہیں لے رہی, نقصان ہمارا ہو رہا ہے, ہمارے شہر کو ہو رہا ہے, ہمارے انفراسٹرکچر کو ہو رہا ہے. میں آپ کے توسط سے اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہوں گا کہ شاید وفاقی حکومت کو کچھ احساس ہو جائے تاکہ وہ اس معاملے کو حل کر سکیں. جی یہ کر کے میں آرٹیکل, میں اب کسی قانون کی بات نہیں کر رہا, میں آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکیومنٹ
आईने पाकिस्तान आर्टिकल 54 रेड विद आर्टिकल 127 ये कहता है, जब 25% असेंबली के मेंबरान रिक्विजिशन जमा कराते हैं स्पीकर के पास, तो स्पीकर कौमी असेंबली पाबंद है कि 14 दिन के अंदर वो कौमी असेंबली के इजलास को बुलाएंगे। 8 मार्च को गालिबन 142 अराकीन ने, 25% बनते को 88, 142 अराकीन ने रिक्विजिशन स्पीकर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई, और बदकिस्मती के साथ 13 दिन हो गए हैं अभी तक स्पीकर साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मैं समझता हूँ वो आईन से इनहराफ कर रहे हैं, और अगर कल तक वो इजलास नहीं बुलाया जाता तो मैं समझता हूँ उन्होंने आईन को वायलेट किया है, उस आईन को जिसको प्रोटेक्ट और डिफेंड करने का उन्होंने हल्फ उठाया है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को, चूँकि वो एक बाई पार्टीजन शख्सियत है, वो कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, बहसीत पीटीआई कारकुन के नहीं, पीटीआई मेंबर के नहीं, बल्कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के तौर पर उनको अपना किरदार अदा करते हुए 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएं। और ये जो रीजनिंग वफाकी हुकूमत के तर्जमान कहते हैं ना कि OIC का इजलास है तो इसलिए हम इजलास नहीं बुला पा रहे, आइन ये नहीं कहता कि 14वें दिन बुलाओगे, आइन कहता है 14 दिन के अंदर अंदर। तो आपने 22 तारीख तक का वेट क्यों किया? आप 16 तारीख को बुला लेते, 17 तारीख को बुला लेते, 18 को बुला, आज बुला लेते। ये शो करता है कि स्पीकर साहब आइन के प्रिंसिपल्स को इन लेटर एंड स्पिरिट फुलफिल नहीं कर रहे। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हियरिंग हुई उसके अंदर जो मैंने रिटन ऑर्डर देखा है उसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि तमाम आईनी उसूलों को, कवायद व जवाबित को फुलफिल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कल हियरिंग है वापस सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी इसको भी इस मामले को देखना चाहिए कि अगर यकीन दहानी कराने के बावजूद इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा तो कोई ना कोई, मैं समझता हूँ हम सब की जिम्मेदारी है कि आईन की पासदारी होनी चाहिए, आईनी प्रिंसिपल्स को, उसूलों को फॉलो करना चाहिए। यार उन्होंने पहले कहा था अगर वो करके आपके पास आ जी, ये किस जगह पे हुआ आप जो बता रहे हैं? मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि CVU का समंदर साहिल KMC के या सिंध हुकूमत के मातहत नहीं चलता, वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से चलता है। उनसे इसके ऊपर अगर आप सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। मैं दूसरों के मामलों में उस तरीके से इंटरफेयर नहीं करता, उनका काम है, उनको देखना चाहिए। अगर जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है तो मैं समझता हूँ कि इसको ठीक करने के लिए उनको इकदाम उठाने की ज़रूरत है। ये इन्होंने अभी कर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम अच्छा, मैं आपके साथ ऑर्डर शेयर कर लूँगा। जब आपने मुझसे सवाल पूछा था, गालिबन 3-4 महीने पुरानी बात है ये, मैं उस ज़माने का ऑर्डर आपको दिखा दूँगा। मैं बड़ा सोच समझ के बात करता हूँ, मेरा ताल्लुक PTI से नहीं है, तो मैं आपको ऑर्डर बता दूँगा। मैं बता दूँ ना, ये जो आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल बोर्ड्स के ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कराची शहर में बेहंगम तरीके से किसी कवायद व जवाबित के बग़ैर बिल बोर्ड लगाए जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर कानून साजी होने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। उसके बाद 2021 में सिंध हुकूमत ने, सिंध की काबीना ने उन बिल बोर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स को नोटिफाई किया, काबीना ने मंजूर किया, जिसके तहत उन्होंने बताया क्या रेट चार्ज किए जाएंगे, किस तरीके से उन बिल बोर्ड्स को नस्ब किया जाएगा। उस कानून के तहत बिल बोर्ड्स लगाने की आपको इजाज़त है, लेकिन अगर आप उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए कहीं बिल बोर्ड लगाएंगे, और मैंने देखा है कि शारे फैसल पे कुछ मकामात पर छत पर बिल बोर्ड लगाए गए हैं,
कहीं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुझे नज़र आएँ, मैंने उनकी इंतज़ामिया को कन्वे किया है कि ये गलत है, ये नहीं, उनका तासुर ये था कि नहीं इजाज़त है। मैंने उनको बताया कि आप रूल्स पढ़ लीजिए, रूल्स के तहत आप छतों के ऊपर बिलबोर्ड नहीं लगा सकते, वो उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो मैंने जो अपना काम था वो कर दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट जो है वो उन लोगों को करना है। जी, इतनी फूलों की नुमाइश कर रहे हैं माशाल्लाह से, थोड़े से फूल इस्लामाबाद भिजवाते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा हो, कुछ ऐसा कोई आर्टिकल भी ज़हन में नहीं आया। 10 से 11 रोज़ वेट कर लें, फूल ही फूल होंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में। ये जो बाहर का मौसम है ना, ये इंशाल्लाह इस मुल्क की मईशत में भी बाहर आएगी, इस मुल्क के तूलो अर्ज़ के अंदर बाहर आएगी, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में जिस तकलीफ़ से आप और मैं गुजरे हैं, पाकिस्तान का गरीब आदमी गुजरा है, पाकिस्तान का मजदूर गुजरा है, मीडिया वर्कर गुजरा है, एक आम आदमी गुजरा है, वक्त आ गया कि बहुत हो गया, अब उस चीज़ों को ख़त्म करें और एक बार फिर बाहर की तरफ जाएं। सालों से वहाँ शादी हॉल किसी दौर में चलता रहा, फिर शर्जीला मेमन के दौर में शादी हॉल ख़त्म किया गया, आज भी वो पार्क लोगों के लिए बंद है, इलाके वालों के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाइड सबसे बड़ा झील पार्क है वो बैटल भी एरिया में कर। दूसरा, लियाकत अली खान चौक के बिल्कुल बराबर में आपने कुछ दिन पहले एक पार्क का इफ्तिताह किया था, बहुत ज़बरदस्त वो पार्क बना है, वो पार्क आपने जिस दिन से इफ्तिताह किया उस दिन से आज तक सैवरेज का पानी वहाँ से सड़क से नहीं हट सका, लोग चंद लोग उस पार्क में आते हैं लेकिन उसी सैवरेज के गंदे पानी से बदबू वाले। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने किसी चीज़ की निशानदेही की और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपना किरदार अदा करूँ उस चीज़ को ठीक करने के लिए, तसी करने के लिए। मैं इंशाल्लाह निकल के MD वाटर बोर्ड से बात करूँगा कि जो सेवरेज का मसला है वो मसला रिजॉल्व हो सके। जिस FB एरिया की आपने झील पार्क की बात की उसके बारे में भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्यों इस तरह की चीज़ें हुई, उसको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन देखें ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग सालों साल बराजमान रहे वो नहीं कर पाए, कम से कम मैंने चार पाँच महीने में कुछ उम्मीद लोगों को दिला दिया कि हाँ चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। मैं फेडरल एरिया की आवाम को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को एक और अच्छी खबर देना चाहूँगा। जैसे मैंने ऐलान किया था शारे नूरजहाँ सिंध गवर्नमेंट बनाएगी 1 अरब 10 करोड़ की लागत से, उसका टेंडर हमने इशू कर दिया और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 24 मार्च को वो टेंडर खुलेगा, तो होपफुली जो कानूनी प्रोसेस है महीने में कम्प्लीट होकर सड़क का काम शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से फेडरल एरिया ब्लॉक 14 में बड़ा पुराना इकबाल पार्क है जो बड़े एकड़ों पर मुतसर है, उसको भी मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत का कि उन्होंने हमको फंड्स प्रोवाइड किए कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को वो तोहफा दे सकें। तो उसका PC1 वगैरह सब कुछ अप्रूव हो चुका है इंशाल्लाह, उसके भी हम टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इजाफा, जिस तरह जहांगीर पार्क हमने ठीक किया था बिल्कुल उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम के लिए। जी, मैं ग्रीन लाइन के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, हमने दिसंबर या गालिबन जनवरी के महीने में बसेस ख़रीदने के लिए वफाकी हुकूमत SIDCL को पेमेंट कर दी, वो बसें SIDCL इंपोर्ट करी है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज लाइन चूँकि सप्लीमेंट करेगी ग्रीन लाइन को, तो हम चाहते हैं कि सेम क्वालिटी की बसेज हों, उसमें कोई डिफरेंस ना हो, तो इसलिए वो पेमेंट हमने SIDCL को की। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि मार्च के एंड तक अर्ली अप्रैल तक वो बसेज आ जाएंगी। बसेज आने का तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस है उस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। मैं एक और चीज़ को वाजे करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने ऐलान किया था बसेज़ के हवाले से, हमने बजट में बसेज़ के लिए कराची शहर की बसेज़ के लिए पैसे अप्रूव कराए, बिकॉज इस पर क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारी, बिकॉज माजी में हम काम पूरे नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार डिफरेंस ये हुआ कि हमने अपने बजट में पैसों को अप्रूव कराया, PC1 को अप्रूव कराया, उसकी टेंडरिंग की, प्रोक्योरमेंट की, और प्रोक्योरमेंट करने के बाद हमने पेमेंट भी कर दी है 250 नई बसेस के लिए। उन 250 नई बसेस में से एक बैच उसका तैयार हो गया है और जो पोर्ट पर पहुंच गया है। 31 जनवरी की मुझे डेट मिली थी जो कि मैंने ऐलान किया था, बट मैं माजरत खाऊं कि 31 जनवरी तक वो चीज़ कराची शहर नहीं पहुँच पाई। मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कन्फर्म किया है कि चाइना के पोर्ट पर एक नंबर है बसेस का जो कि पहुंच चुका है, इंशाल्लाह शिपमेंट का वेट करें कि जैसे ही वो वेसल आएगा उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुझे बताया गया इंशाल्लाह कि पहला बैच उन बसेस का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएगा। तो मैं आज भी कमिटेड हूँ, कोई हवा में बात नहीं कर रहा, कि जो 250 बसेस थी वो कराची शहर में आएंगी, 240 कराची के लिए, 10 बसेस लाड़काना के लिए। हो गया ना ये?
वो बैतुल मुकरम पे खड़ी हुई है इस वक्त। आप सब पुराने सीनियर लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बल्दिया के मामलों को आप जानते हैं। ये चलती थी, किसी ने इन बसेस को बंद कराया ना, मैंने बंद कराया ना किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने बंद कराया, किसी इलेक्टेड जो केएमसी का आदमी था उसने उसको बंद किया, किन वजूहात पर बंद किया मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने आने के बाद उसको रिवाइव करने की कोशिश की, उसका अखबार में एक ऐड आया जिसके तहत हम प्राइवेट सेक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जैसे माजी में वो चलती थी एक बार फिर उनको चलाना शुरू कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो लोग आए उस बस को चलाने के लिए, जो शरायत वो केएमसी को दे रहे थे, उस पर मुझे लग रहा था कि अगर मैं उन शरायत को एक्सेप्ट कर लूँगा तो कल को मुझ पर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन ये सवाल आपको उन लोगों से ज़रूर पूछना चाहिए कि चलती चलती बसेस जो कि चुंदरीगढ़ रोड पे भी थी, शारे फैसल पे भी थी, एमएजेना रोड पे भी थी, उन चलती बसेस को किन लोगों ने किन वजूहात की बिना पर बंद कर दिया था, ये एक करके आपके सारे ये किसने कहा था? गवर्नर साहब को बोले आइन पढ़ लें, वो नहीं लगा सकते, उनका काम नहीं है ये। यार मैं मतलब मैं चाहता हूँ मैं उनका एहतराम करूँ, मतलब ये फुल टॉस क्यों दे रहे हैं वो? हाँ नहीं, मैं यॉकर वॉकर, मैं क्रिकेट, भाई कौन भुगत रही है क्रिकेट को इस वक्त? मैं तो इतनी दुआ की थी अगर 2019 का वर्ल्ड कप हम जीत जाते ना तो शायद बाबर आजम हीरो हो जाता हमारा, सरफराज हीरो हो जाता, जान छुट जाती 1992 से। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, अमर बिल मारू वन ही अनिल मुनकर मेरे ख्याल में इज़ द राइट लाइन जो मैंने स्कूल के ज़माने में पढ़ी थी। मैं समझता हूँ सियासत को और दीन को ना मिलाएं प्लीज़। इस तरीके से लोगों को खौफ व हिरास में डाल के आप रियासत को नहीं चला सकते। ये सियासी कारकुनान जो मेंबरान असेंबली हैं, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का मुकाबला किया, इन्होंने ज़ियाउल्लाह की आमरियत का मुकाबला किया, तो आज तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, और आपने देख लिया कि जो सिंध हाउस में वाक़या हुआ उसके ऊपर इवन जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा वकील है यानी कि अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में रिग्रेट का इजहार किया कि वो चीज़ जो सिंध हाउस पर हुई वो गलत हुई। मैं उम्मीद करता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करेगा, आइन व कानून प्रिवेल करेंगे, और आइन व कानून के उसूल के तहत ये जल्दी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है ना अब आगे बढ़ सके। लास्ट क्वेश्चन, और बाहरों की बातें कर रहे हैं मगर वफाकी वज़ीर दाखला ने जो आज ज़बान इस्तेमाल की है उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, क्या तहरीक इंसाफ में किसी और को वज़ीर आज़म लाने के हवाले से तजवीज़ सामने आई, उस पर क्या कहेंगे? सर एक थोड़ा बात सवाल कर रहा हूँ, ये बसों की डेडलाइन दे रहे हैं आपकी बसें कब तक आएंगी? मैं अली, इसमें होता ये है कि जब भी डेडलाइन ले ली जाती है ना, फिर जब पूरी नहीं होती ना तो फिर मजाक उड़ता है। मैं हमेशा जब बात करता हूँ चीज़ों को चेक करने का, इसलिए मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया कि पैसे अप्रूव हुए, टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ, PC1 अप्रूव हुआ, काबीना ने इजाज़त दी, उसके बाद पेमेंट सिंध हुकूमत ने कर दी है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पेमेंट हो पाई, टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता था। अब की बार हमने NRTC नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन जो एक वफाकी इदारा है उसको हमने पेमेंट कर दी है, और उसने कमिट किया है, पहले 31 जनवरी किया था लेकिन चूंकि कुछ चाइना के अंदर हॉलीडेज़ वगैरह आए थे उसकी वजह से वो डिले हुआ। अब वो बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुझे बता रहे हैं कि इतनी बसेज जो हैं पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और वो वेसल का वेट करेंगे, वो वेसल में डाल के उसको कराची ला सकें। तो मुझे बताया गया है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह जो पहला बैच है उन बसेज़ का वो कराची शहर आ जाएगा। इसी तरह नंबर प्लेट्स का मसला भी हमने रिजॉल्व कर दिया, मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंडे से आपको आम तौर पर अब ये नंबर प्लेट जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें पिछले 4-5-6 महीने में हमने लग के लड़ झगड़ के चीज़ों को फाइनलाइज़ कर लिया। इंशाल्लाह हल्की सी देर सवेर हो सकती है, इसका मुझे मार्जिन दीजिएगा, लेकिन मैं अपने बात पर कायम हूँ जो मेरा वादा था कराची वालों से कि वो चीज़ होगी इंशाल्लाह, मेरी हुकूमत के इश्तराक से ताउन से वो हो जाएगी। बाकी आपने 2022 का मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा
लिहाज कर लीजिएगा, देर सवेर हो सकती है, लेकिन हाँ पेमेंट हमने कर दी गई। मुझे अंदाज़ है कि आज 7 बजे मेरे ख्याल में मेरा बहुत मजाक उड़ेगा, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, मैं अपने शहरियों से मुखातिब होकर कम अज़ कम उनको हक और सच की बात करना चाहता हूँ। शेख रशीद साहब, मैंने बात की फूलों की बाहर की, शेख रशीद साहब हमेशा बात करते हैं बाहर की, मैं समझता हूँ छोड़ें इन चीज़ों को, अब वक्त आ गया कि लोग PTI से बाहर निकल रहे हैं, तो शेख रशीद साहब भी बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। किसने दी है ये? मैं कहता हूँ कि नजीब हारून साहब एक बड़े अच्छे पुराने सियासी वर्कर हैं, सियासी माइंड रखने वाले आदमी हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह 22 करोड़ आवाम को इमरान खान की हुकूमत ने इग्नोर किया, उसी तरीके से नजीब हारून साहब को भी 3.5 साल इग्नोर किया है। अगर ना आवाम को इग्नोर करते और ना संजीदा नजीब हारून जैसे लोगों को इग्नोर करते, तो शायद आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते।